अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मुबीन और आप देख रहे हैं लवली कुकिंग किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं चाट पापड़ी, जो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसे आप दही भल्ले और चना चाट वगैरह में डालकर खाते हैं। वैसे तो बाज़ार से भी ये मिल जाती है, लेकिन आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैदा चाहिए 250 ग्राम, पानी चाहिए हसब ज़रूरत भूनने के लिए, और नमक चाहिए 1 टीस्पून। सबसे पहले मैदे में नमक को मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देंगे और हल्के हाथों की मदद से मिक्स करते जाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मैदे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मैदा अच्छी तरह से गूंद चुका है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैदे को सख्त गूंदना है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। इस साइज के पेड़े तैयार करेंगे। सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं, अब इनको बेल लेंगे। इस तरह से एक पेड़े को रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क देंगे। अब इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। दूसरी तरफ भी मैदे को छिड़केंगे। और अब इसे बेल लेंगे। तमाम पेड़ों को रोटी की तरह बिल्कुल पतला पतला बेलेंगे। इस तरह से तमाम पेड़ों को बिल्कुल पतला बेल लेंगे और सारे पेड़े बेलने के बाद फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। सारे पेड़ों को मैंने बेल लिया है, यह आप देख सकते हैं कि इस तरह से बिल्कुल रोटी की शक्ल में बिल्कुल पतला पतला बेलेंगे। अब इनको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में तेल डाल के मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है और अब इस तरह से पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से इसे प्रेस करते जाएंगे। और आप इसके साइड पलट देंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसको निकाल लेंगे। पापड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे। एक और तल लेंगे। इस तरह से किसी भी चम्मच की मदद से इसे प्रेस करेंगे। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। यह भी फ्राई हो चुकी है, अब इसको भी निकाल लेंगे। सारी पापड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, यह आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगा।
आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार और कितनी क्रंची बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रंची चाट पापड़ी तैयार है, जो आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।